हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी। और मेरा नाम है हर्षित बेरी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल एज वेल एज इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो खासकर नए सेलर्स करते हैं अपनी ई कॉमर्स जर्नी में, और ये 3 मिस्टेक्स के कारण उन सभी ई कॉमर्स सेलर्स की जर्नी काफ़ी टफ हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है, और 3 बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ते हैं। अगर सेलर ये 3 मिस्टेक करते हैं तो सबसे पहले तो उनको लॉस होने का बहुत बड़ा डर रहता है, और खासकर लॉस हो ही जाता है। दूसरी मिस्टेक्स अगर वो लोग करते हैं तो उनकी अकाउंट की सेल डाउन हो जाती है, उनकी अकाउंट की विजिबिलिटी चल जाती है। और तीसरी मिस्टेक करते हैं तो उनका अकाउंट सस्पेंड होने का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, खासकर ये मार्केट प्लेस अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। तो कौन सी है वो 3 मिस्टेक्स, जान लेते हैं अब इस वीडियो में। तो पहली जो मिस्टेक है वो है, न्यू सेलर्स डोंट कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक वेट ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब होता क्या है, एक आपके प्रोडक्ट का होता है एक्चुअल वेट, जिसे बोलते हैं डेड वेट, और एक तरफ होता है आप जिस तरह से आपका प्रोडक्ट पैक करते हैं तो उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट के हिसाब से एक वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल के आता है। तो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, या कोई भी दूसरा मार्केट प्लेस हो गया, ये आपको वेट जो शिपिंग फीस है वो आपके वॉल्यूमेट्रिक वेट या फिर डेड वेट, विच एवर इज़ हायर, के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। मतलब जो भी आपका, फॉर एग्जांपल आपका एक्चुअल वेट अगर 1 kg है और अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट 2 kg है तो आपको शिपिंग फीस 2 kg के हिसाब से चार्ज होती है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, स्क्रीन पे फॉर्मूला है। वॉल्यूमेट्रिक वेट फाइंड करने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय 5000। स्क्रीन पे भी दे दिया है मैंने फॉर्मूला। मतलब आपके जो भी पैकेट है उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करनी है सेंटीमीटर में, और उसको डिवाइड बाय 5000 करना है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा किलोग्राम में, मतलब केजी में, तो वो आपको वहाँ पे एंटर कर देना है। हमारे से भी जो काफ़ी सेलर ट्रेनिंग लेते हैं, डायरेक्ट ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देते हैं हम, तो हमने उनके अकाउंट में बहुत ही कॉमनली पाया गया है कि वो रैंडमली कुछ भी एंटर कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक वेट में। तो प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक्स कभी मत करना, खासकर नए सेलर से बोल रहा हूँ। सेकेंड जो बड़ी मिस्टेक है जो खासकर नए सेलर्स करते हैं, वो करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट का उनके पास स्टॉक नहीं होता है और बाय चांस उसका ऑर्डर आ जाता है, भले वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, वो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। आप ये नोट कर लीजिए, कैंसिल करना ई कॉमर्स जर्नी में, खासकर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेच रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है। आप इसको पाप मानिए, सबसे बड़ी मिस्टेक मानिए, बट आप ये नोट कर लीजिए कि आपको किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में ऑर्डर कैंसिल नहीं करना है। आपके पास, सेलर के पास राइट होती है कैंसिल करने की, बट वो एकदम लास्ट ऑप्शन होता है उसको यूज़ करना। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैट्रिक्स अच्छी रहे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहे प्रोडक्ट्स की, तो आप कभी भी किसी भी ऑर्डर को कैंसिल मत करिएगा। होता क्या है कि आप लोग पहले तो अपने स्टॉक को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेलर के पास ब्लू और ब्लैक टी शर्ट है, अगर ब्लू का ऑर्डर आ जाता है और उसके पास वेयर हाउस में ब्लू अवेलेबल नहीं है तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देता है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है मैं बोलूँगा। अगर ब्लू नहीं है तो कस्टमर को ब्लैक भेज दीजिए एक बार को, उसको पसंद आएगी, नहीं आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटर्न कर देगा। बट अगर आपने कैंसिल करा ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को, तो ये मार्केट प्लेस आपके पूरे अकाउंट की विजिबिलिटी डाउन कर देंगे, आपकी मैट्रिक्स ख़राब हो जाएगी, और ओवरऑल रिजल्ट रहेगा आपकी सेल एकदम डाउन हो जाएगी, या फिर आपकी विजिबिलिटी पूरी तरीके से चली जाएगी। तो इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, और किसी भी हालत में आपको कोई भी ऑर्डर कभी भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे कैंसिल नहीं करना है। तो थर्ड जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है, और नए सेलर्स इतनी ज़्यादा कॉमनली वो करते हैं कि उनका पता भी नहीं होता है, उनका अकाउंट सस्पेंड तक हो जाता है इस मिस्टेक के कारण, और उसके बाद पता लगता है अच्छा ये मिस्टेक थी, हम तो समझे ये नॉर्मल चीज़ है,
ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। तो थर्ड जो मिस्टेक जिसके बारे में बता रहा हूँ वो है मैपिंग। आपने नाम सुना होगा, न्यू सेलर मैप देयर प्रोडक्ट टू अदर ब्रांड लिस्टिंग्स। अब मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूँ। होता क्या है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है, आप देखते हैं वैसा का वैसा प्रोडक्ट अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है ऑलरेडी। आप क्या करते हैं, सोचते हैं कौन लिस्टिंग करे, या फिर आप एज ए न्यू सेलर आप लोगों को पता ही नहीं होता, आप सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है, कोई तरीका है कि हम उसी लिस्टिंग को लेते हैं, उसका ASIN नंबर, अपनी प्राइस डालते हैं और हमारी भी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी और हमारे को भी सेल आने लग जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, अगर वो ब्रांड ने अपनी ट्रेडमार्क ले रखा है, अगर उसने कॉपीराइट ले रखा है इमेजेस का, या फिर तो वो डायरेक्ट आपको इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेंट भेजता है और अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग वन शॉट में ही आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, मतलब गया, ख़त्म। समझ रहे हैं आप? तो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है ये। मैं और कोई भी, आपको अगर एक इन्फॉर्म्ड सेलर मिलेगा वो आपको बोलेगा कि आप मैपिंग से दूर रहिए, ये एक्चुअल में सही है ही नहीं मैपिंग चीज़। अब होता क्या है कि अगर आपके पास कोई ब्रांड का, बड़ी ब्रांड का आइटम है, जैसे कि कोई फिलिप्स की लाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिलिप्स की लाइट कोई सेल हो रही है और आपके पास भी ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है फिलिप्स से, तो आप उसको सेल कर सकते हैं, मैप करके सेल कर सकते हैं। फिर आप बस वही है, प्राइस वॉर करनी पड़ेगी आपको सेल लाने के लिए, बट आप सेल कर सकते हैं। बट आप सोचते हैं कि किसी ABCD ब्रांड का आपने नाम, कोई ब्रांड है जैसे ABCD, अब आपने सुना ही नहीं नाम, आप सोचते हैं ये कौन सी ब्रांड है, आप उसकी प्राइस में अपनी लिस्टिंग, मतलब अपना अकाउंट उसकी लिस्टिंग पे मैप कर देते हैं और प्राइस कम करके बैठ जाते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो होती है प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, छोटी छोटी लाखों ब्रांड्स हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, जिनके ट्रेडमार्क सेलर्स ले लेते हैं जैसे ही उनका कोई भी प्रोडक्ट हिट हो जाता है, रन हो जाता है। वो लोग आप पे इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेंट कर देते हैं अगर आप प्राइस मैपिंग करते हैं, अपना अकाउंट मैप करते हैं। इन्फ्रिंजमेंट कंप्लेंट होते ही अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को लगता है कि वो ब्रांड उसकी ओनर की है और ओनर ने आपके खिलाफ कंप्लेंट करी है, तो आपका अकाउंट डायरेक्ट सस्पेंड होता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा नए सेलर करते हैं। मैं इसलिए इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू सेलर को पता ही नहीं होता, ये सोचते हैं कि कोई ऑप्शन है कि डायरेक्ट फ़ोटो तो दिख रही है फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे, जैसे कोई चॉपर है उसकी चॉपर की फ़ोटो तो दिख रही है, आप डालते हैं उसका ASIN नंबर और अपनी प्राइस डालते हैं और सेल करने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं है वो रजिस्टर्ड ब्रांड होती है। और क्यों करना है, मैं तो साफ आपको बोलता हूँ, आपको मैपिंग नहीं करनी है, आपको प्राइवेट लेबल करना है, आप अपनी लिस्टिंग करिए, अपना ब्रांड बनाइए, उस पर ट्रेडमार्क लीजिए और उसको सेल करिए। क्यों आप एज ए शॉर्टकट खोजते रहते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए हमको और हम उस पर बस सेल ले आएँ? बिजनेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। बाय चांस आपको मिल भी गया कोई शॉर्टकट, कोई ब्रांड ऐसी मिल गई जो रजिस्टर्ड नहीं है और आपने मैप कर दिया और उसने इन जर्नी करवा लिया और आपको ट्रेडमार्क, मतलब आपको जितना पुश मिलेगा नहीं उस शॉर्टकट से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आप 10 times बैक आ जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। तो सीरियसली बोल रहा हूँ सभी नए सेलर्स को, आपको मैपिंग से आप दूर ही रही है, प्राइवेट लेवल ब्रांड्स में मैपिंग बिल्कुल भी मत करिए। एक इजी बनाइए जर्नी को, आप समझ रहे हैं, आप ज़्यादा वो मत करिए कि शॉर्टकट मिल जाए, ये कर दूँ वो कर दूँ, नहीं, एक सीधे रास्ते चलिए, ईमानदारी से चलिए, बिजनेस बढ़िया तरीके से करिए, सही सोच रखिए, तो आपका बिजनेस फलेगा फूलेगा। क्योंकि होता क्या है, कभी ना कभी आपके वो अच्छे कर्मों का फल मिलता ही है, और सीख के करते हैं, लर्न करके सही काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है और पॉजिटिव होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3 मिस्टेक बताई है आप में से कोई भी नया सेलर कभी नहीं करेगा, क्योंकि तभी फ़ायदा है हमारे वीडियो बनाने का अगर आप लोग उसको याद रखते हैं और अपने एक्शंस में अप्लाई करते हैं। तो और भी कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है, पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, तो भी आप हमको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हम डायरेक्ट 1-to-1 पर्सनलाइज्ड वे में ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, सभी मार्केट प्लेस की डिटेल्ड A-to-Z लर्निंग देते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे बिजनेस करिए, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और कैसे आपकी ई कॉमर्स जर्नी को एक सक्सेसफुल जर्नी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।